चंदनी चैनल सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाते वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की थी अलग अलग कामगार और मजदूर क्षेत्रों के लिए राहत का पैकेज, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र में नोंदणीकृत तमाम बांधकाम कामगारों के लिए महीना 1500 रुपए का था ये पैकेज, जिसके तहत महाराष्ट्र में बांधकाम कामगार से जुड़े हुए सभी मजदूरों को मिलेंगे महीने के 1500 रुपए। तो अब 1500 रुपए आने की प्रतिक्रिया बांधकाम कामगारों के बैंक खातों में आना हो चुकी है शुरू। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 1500 रुपए की ये राहत राशि उन बांधकाम कामगारों को मिलेगी जिनका नाम महाराष्ट्र कामगार विभाग में है नोंदणीकृत। नोंदणीकृत बांधकाम कामगारों को ही मिलेंगे ये 1500 रुपए। इसी तरह इसी 1500 रुपए की ये राहत राशि की राह देख रहे रिक्शा चालकों को भी जल्द ही मिलेंगे 1500 रुपए। एक अनुमान के मुताबिक आरटीओ कार्यालय में नोंद उन परमिट धारकों को ही मिलेंगे ये 1500 रुपए की राशि जिनके नाम आरटीओ कार्यालय में है रजिस्टर। आरटीओ कार्यालय द्वारा उन परमिट धारकों को बुलाकर उनके पास से लिए जाएंगे उनके बैंक खाते, जिसके बाद उन बैंक खातों में आएगी 1500 रुपए की राहत राशि, जिसकी प्रतिक्रिया भी जल्द होने की शुरू होने की है संभावनाएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऐसी ही मालूमात भरी वीडियो महाराष्ट्र की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल महाराष्ट्र की आवाज़ को और ताज़ा खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।